देखिए, अब मैं आप सबको फ्यूचर इन्फिनिटिव टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है, उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन, जब किसी हिंदी क्रिया शब्द के अंत में, जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया शब्द के अंत में गा गे गा गी गे गो आदि शब्द आ जाएं, तो उसे फ्यूचर इन्फिनिटिव टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे वाक्यों में यह पता चलता है कि कार्य साधारण तरीके से संपन्न होने वाला है, तो उसे हम प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस समझते हैं, उस वाक्य को भी हम जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, साधारण वाक्यों में आई ही सी इट व नेम यू वी दे, ये क्वेश्चन कर्ता सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करके क्रिया में फर्स्ट फॉर्म को लगा देते हैं। अर्थात देखिए, आजकल का जो मॉडर्न अंग्रेजी चल रहा है, सभी कर्ताओं के साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं, जबकि वहीं आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करके हालांकि प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं देखिए हम लोग पढ़ाया जाता है आई और वी के साथ सेल का भी प्रयोग होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब सभी कर्ताओं के साथ अब हम विल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में सभी कर्ताओं के साथ विल का ही प्रयोग किया जा रहा है, जैसे राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल, राखी खाना पकाएगी, राखी विल कुक द फूड, मैं तुम्हें परसों मिलूंगा, आई विल मीट टू डे बिफोर स्टडे। ठीक है, आगे देखिए। अब नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ मॉडर्न इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब विल का ही प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं हम लोग आई और वी के साथ सेल का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों सही है। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार अगर हम लोग देखें तो विल सबके साथ लगाना है, और आई और वी के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है, ये भी ठीक है। अब जो भी समझे, नियम दोनों है आप लोगों के लिए। तो राम गाना नहीं गाएगा, राम विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट लेटर, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट, वह कार नहीं चलाएगा, ही विल नॉट ड्राइव ए कार, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, आइए सिंगल इंटरगेटिव समझते हैं। जब वाक्य पहले क्या शब्द आ जाए, तो क्या शब्द के लिए सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं आई और वी के वाक्यों में क्या शब्द पहले के अंग्रेजी हम सेल भी लगाते हैं। ठीक है, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया, फार्मूला देखें, पहले आपको विल और सेल अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या रानी खाना पकाएगी, विल रानी कुक द फूड। क्या वह स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल। क्या रिया पत्र लिखेगी, विल रिया राइट लेटर। क्या तुम बाजार जाओगे, विल ही गो टू मार्केट। ठीक है, आगे देखिए, डबल इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं, तो इनके अंग्रेजी वाक्य के पहले लिखते हैं। देखिए, फार्मूला WH यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विल, सेल अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए सेंटेंस देखते हैं। राजा जनता को धन क्यों देगा, व्हाई विल किंग गिव मनी द पब्लिक। राम वहां क्यों जाएगा, व्हाई विल राम गो टू देयर। रिया इस कहानी को कैसे लिखेगी, हाउ विल रिया राइट ए स्टोरी। महिमा क्या पढ़ेगी, व्हाट विल महिमा रीड। ठीक है, आइए फ्यूचर इन्फिनिटिव टेंस में आने वाले शब्द या भाव, धमकी, वचन तथा दृढ़ता वाले वाक्य को हम फ्यूचर इन्फिनिटिव टेंस में ही बनाते हैं। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। यहाँ पे देखिए धमकी जब शब्द आएगा, जब किसी शब्द पे जोर दिया जाए, तो वहाँ पर आई के साथ हम सेल नहीं विल लगाते हैं। मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, हम आपको अवश्य मिलेंगे, यहाँ वचन दे रहा है, वी विल मीट यू यानी अवश्य ही मिलेंगे, ये वो प्रॉमिस कर रहा है, वह इस समस्या को हल जरूर करेगा। तो ही सेल लग जाएगा, यहाँ ही के साथ विल नहीं लगेगा। जब ऐसे वचन, दृढ़ता और धमकी वाले जब शब्द आते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ विल, एक वचनकर्ता के साथ सेल और बहुवचनकर्ता के साथ विल लगा देते हैं। ठीक है, तो ही सेल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, फ्यूचर इन्फिनिटिव टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, वे सड़क को साफ करेंगे, दे विल क्लीन द रोड। ऐसे भी सेंटेंस अगर हमें आते हैं हमारे सामने, तो हम फ्यूचर इन्फिनिटिव टेंस में ही करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस के मेन क्लास का भी प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। यदि वो मुझे आमंत्रित करेगा तो मैं पार्टी में जाऊंगा, इफ ही इन्वाइट्स मी आई शैल अटेंड द पार्टी। यदि वे कठिन परिश्रम करेंगे तो उत्तीर्ण होंगे, इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का नियम यह है कि पहला जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस में करते हैं, दूसरा वाक्य जो होता है फ्यूचर इन्फिनिटिव टेंस में करते हैं। यानी पहला, देखिए, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा, हम ऐसे समझेंगे। तो पहला, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो पहला जो सेंटेंस है, यदि के बाद जो पहला सेंटेंस होता है उसे हम प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस के नियम के अनुसार करते हैं, और दूसरा जो होता है तो के बाद, हम उसे फ्यूचर इन्फिनिटिव टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में होने वाले कार्यों को व्यक्त करते हैं इस तरह से, तुम्हें मैच खेलना यानी तुम्हें मैच खेलना होगा, तो यू आर टू प्ले डैट मैच, उसे गाना गाना है अर्थात उसे गाना गाना होगा, तो ही इज़ टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे आगरा जाना है, आई एम टू गो टू आगरा। तो इस तरह के भी सेंटेंस हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में जानेंगे और उनको समझेंगे अपने अंग्रेजी स्पीकिंग अंग्रेजी वाले स्पीकिंग अंग्रेजी में या इंग्लिश स्पीकिंग में हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करके अच्छा खासा अंग्रेजी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।